प्यारे बच्चों, एक थी लोमड़ी। लोमड़ी कई दिनों से भूखी थी। जब जंगल में उसको खाने को कुछ नहीं मिला तो उसने शहर का रुख किया। चलते चलते वो एक बाग में पहुंची। बाग में इधर उधर कुछ खाने की तलाश में फिरती रही। अचानक वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसको एक दरख्त मिला जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था। लोमड़ी ने देखा कि कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है। उसने कौवे से कहा कि भाई कौवे, मैंने जंगल में सुना था कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, तुम्हें ढूंढती आ गई, ज़रा मुझे अपना गाना तो सुना दो। कौवे सुनकर खुशी से फूले न समाया और गाने के लिए उसने जैसे ही चोंच खोली तो रोटी का टुकड़ा उसके मुँह से गिर गया और लोमड़ी अपनी भूख मिटाने में कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।